हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। आप सभी के लिए जो यूपी एनएचएम है उसकी तरफ से बहुत ही बड़ी आपको यहाँ पर खुशखबरी है वो देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लगभग ये मान लीजिए आप 4 लाख यहाँ पर जो कर्मचारियों को यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। क्या क्या चीज़ का बेनिफिट मिलेगा वो हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 4 लाख कर्मचारियों को यहाँ पर आपका जो लाभ है वो मिलने वाला है सरकार की तरफ से। साथ ही साथ जो इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट रहेंगे देख लीजिए, एनएचएम के जितने भी जो स्टाफ नर्स कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मौका मिलने वाला है, जो सीएचओ है उनको यहाँ पर मौका मिलने वाला है, जो एनएचएम की एएनएम्स हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आज की जो नई अपडेट है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए आपको ये जो अपडेट कहाँ से मिल रही है, क्या अपडेट है, सबसे पहले हम इसके बारे में ही यहाँ पर जो चर्चा है वो करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिए, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए पेंशनरों का प्रदर्शन आज किया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बीमा पॉलिसी का लाभ, ठीक है। यानी कि सबसे पहली जो स्टेप यहाँ पर उठाया गया है यूपी एनएचएम की तरफ से वो उठा गया है बीमा पॉलिसी का, ठीक है। कि इसके बाद क्या होगा, बीमा पॉलिसी लागू की जाएगी। बीमा पॉलिसी के बाद आपके जो ट्रांसफ़र हैं, जो काफ़ी सभी जो एनएचएम कैंडिडेट चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफ़र ओपन हो, तो उनके जो उसके बाद में बीमा पॉलिसी के बाद में ट्रांसफ़र की जो ऑप्शंस हैं इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले कदम क्या उठाया, फर्स्ट स्टेप की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बीमा पॉलिसी, ठीक है। बीमा पॉलिसी का यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, कब से ये लागू किया जाएगा सारी चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुविधा कर्मचारी संघ के साथ हुई बैठक में निदेशक डॉक्टर पिंकी जोयल, यानी कि आप सभी को जानते हैं डॉक्टर पिंकी जोयल एनएचएम की जो निदेशक है, तो पिंकी जोयल कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी जल्द जारी करने का आश्वासन दिया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो बीमा पॉलिसी है वो आपकी क्या होगी, जल्द ही यहाँ पर जारी किया जाएगी। यानी कि जो नया सेशन है, नया सेशन कब से स्टार्ट होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो नए सेशन के ऊपर यहां पर जो बीमा पॉलिसी है वो लागू कर दी जाएगी, ठीक है। इससे फायदा क्या होने वाला है बीमा पॉलिसी का, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख लीजिए, किसी भी तरह की अगर कर्मचारी को दुर्घटना हो जाती है, भगवान करे किसी की दुर्घटना ना हो, लेकिन फिर भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो बीमा क्या करेगा, कवरेज मिलेगा। और इसी तरह मानव क्षमता पोर्टल के जरिए अगले सत्र से ट्रांसफर पॉलिसी देख लीजिएगा। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन चीज मैंने आपको बताई थी कि बीमा पॉलिसी के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाली है गवर्नमेंट की वो होगी ट्रांसफ़र पॉलिसी, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर फर्स्ट स्टेप क्या दिया गया है, यहाँ पर बीमा पॉलिसी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप दी गई है, उसके बाद में सेकेंड रहेगी आपके ट्रांसफ़र के बारे में। यहाँ पर देख लीजिएगा चर्चा का हो चुकी है, ट्रांसफ़र की पॉलिसी भी आपको अगले सत्र से यहाँ पर शुरुआत कर दी जाएगी। डाटा ऑपरेटर के समायोजन पर भी जल्दी विचार किया जाएगा, जो डाटा ऑपरेटर का समायोजन है उसके ऊपर यहाँ पर विचार किया जाएगा। जो नर्सेज जो संघ है, आप सभी को पता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो संविदा कर्मचारी संघ है उसकी तरफ से बैठक में फरुखाबाद के डाटा ऑपरेटर का काम मानदेय देने का मुद्दा उठा था। इस पर तत्काल वहां की एजेंसी का चयन करने और अन्य जिलों की तरह मानदेय, यानी कि इसमें जो ऑपरेटर हैं कुछ जगह ऑपरेटर का जो मानदेय है वो कम था, तो इस वजह से वहाँ पर मुद्दा उठाया गया था कि ऑपरेटर को यहाँ पर मानदेय दिया जाए। उसके बाद देख लीजिए, संविदा कर्मचारियों के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा EPF, यानी कि आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी जाए, EPF की सुविधा दी जाए, और जो वार्षिक वेतन है उसके अंदर 10% की वृद्धि की जाए, यानी कि 10% की जो सैलरी है आपकी उसके अंदर वृद्धि की जाए, ठीक है। बैठक में आदित्य भारती, आरपी सिंह, ये सारी यहाँ पर सभी कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद थे। तो इसमें जो सबसे मैं स्टेप बाय बात कर लेता हूँ, सबसे पहली चीज़ थी बीमा पॉलिसी, ठीक है। तो क्या होगी, बीमा पॉलिसी की आश्वासन दे दिया है पिंकी जोयल ने, जो कि निदेशक है, तो उन्होंने ये कहा कि बीमा पॉलिसी आपकी लागू कर दी जाएगी। उसके बाद में सेकंड जो थी वो थी ट्रांसफ़र, ठीक है। ट्रांसफ़र के बारे में भी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगले सत्र से आपके जो ट्रांसफ़र हैं वो भी ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या थी, तीसरी चीज़ थी इसकी कि वेतन वृद्धि, इनकी वेतन वृद्धि होनी चाहिए सुविधा कर्मचारियों की, 10% यहाँ पर वेतन वृद्धि होनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी आश्वासन दे दिया कि 10% वेतन वृद्धि के भी विचार किए जाएंगे स्टेट की बैठक के बाद में पता लगेगा वेतन वृद्धि का। उसके बाद में फोर्थ नंबर था कि वेतन विसंगति, ठीक है। वेतन विसंगति सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, वेतन विसंगति, ठीक है। वेतन विसंगति यहाँ पर यूपी के अंदर वेतन की विसंगति है सीएचओ या फिर किसी भी जो अन्य सुविधा कर्मचारी हैं उनके वेतन के अंदर, तो उन्होंने सही करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। वेतन विसंगति क्या है कि अदर स्टेट के अंदर जो उसी पोस्ट की जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है, यूपी के अंदर कम है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, सीएचओ की पोस्ट है
अदर स्टेट के अंदर सीएचओ की सैलरी 40,000 रुपये है, तो यह बल्कि यहाँ पर यूपी के अंदर 35,000 रुपये है, ठीक है। तो वेतन विसंगति को दूर करने का भी यहाँ पर विचार है, वो कहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो वेतन की विसंगति है इसको भी हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे और स्टेट की मीटिंग के साथ विचार विमर्श के बाद में आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अभी तो जो निदेशक जी हैं उनकी तरफ से आश्वासन दे दिया गया, बीमा पॉलिसी और ट्रांसफर जो काम कार्य है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए न्यूज साथी के अंदर भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, राज्य कर्मचारियों का ग्रेड वेतन के आधार पर 20 लाख तक सामूहिक बीमा, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है आपका 20 लाख तक यहाँ पर सामूहिक जो बीमा है वो आपको दिया जाएगा, यानी कि 20 लाख रुपए तक आपका जो बीमा है वो देने की संभावना हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि हो गई, ठीक है। जो संविदा के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि के बारे में भी यहाँ पर पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो कैंडिडेट हैं उनकी वेतन वृद्धि भी यहाँ पर कराई जाएगी। ये न्यूज़ थी देख लीजिए 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी की ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, आप सभी को पता है। और आगरा सिटी, जो आगरा सिटी न्यूज़पेपर है, उस आगरा सिटी न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है। और डेट क्या है, 12 जनवरी, यानी कि 12 जनवरी की ये डेट थे, ताज़ा अपडेट है। उसमें देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है आगरा शुक्रवार 12 जनवरी 2024 की जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो NHM कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो रेगुलरली कदम उठाए जा रहे हैं, हम भी रेगुलरली प्रयास कर रहे हैं कि जो NHM के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर सुविधा मिल सके, क्योंकि NHM यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर NHM के कर्मचारियों को कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो उनके बेनिफिट के लिए हो, यानी ना तो यहाँ पर बीमा पॉलिसी है, ना यहाँ पर ट्रांसफर है, ना वेतन अच्छा मिल रहा है, वेतन की विसंगति है। तो ये सारी चीज़ काफ़ी जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कि उनके हक के लिए है, तो इन मुद्दों पर विचार करना बहुत ही जरूरी है और रेगुलरली प्रयास जारी है कि जो वेतन विसंगति है और साथ जो ट्रांसफर पॉलिसी और बीमा पॉलिसी है इसको जल्दी से जल्दी लागू करवाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलरली मीटिंग रखी जा रही है, पिंगे जो निदेशक जी हैं उनके साथ में रेगुलरली बैठक की जा रही है कि इनको जो नया सत्र चलेगा, आप सभी को पता है अप्रैल से नए सत्र की यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाली है, तो नए सत्र से इन चीज़ों को लागू करवाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि नए सत्र से ये सारी चीज़ें लागू की जाएँ। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मुद्दा है ट्रांसफ़र का और उसका जो सैलरी का विसंगति का, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो वेतन विसंगति है उसको दूर करवाने की कोशिश की जाए जिससे कि लाभ हो सके, पारिवारिक जीवन अच्छे से चल सके, क्योंकि सैलरी सबकी एक ही पोस्ट है और सैलरी अलग अलग है ये संभव नहीं है, तो इनकी सभी सैलरी एक साथ होनी चाहिए या फिर वेतन सबका समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेतन विसंगति सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ में बीमा पॉलिसी, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इनके बारे में पूरी पूरी तैयारी की जा रही है, रेगुलरली बैठक की जा रही है और जो बड़े स्टेट लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे भी मिला जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यहाँ पर मुलाकात हुई है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई नेक्स्ट कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगा, रेगुलरली आपको अपडेट देता रहूँगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और हमारे फ्रेंड्स जो नए हैं इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन करते जाएं जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मैं यहाँ पर देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टेट लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे भी मिला जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यहाँ पर मुलाकात हुई है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई नेक्स्ट कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा, रेगुलरली आपको अपडेट देता रहूंगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और हमारे फ्रेंड्स जो नए हैं इस चैनल के साथ